हाय फ्रेंड्स, जस्ट टू के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टैकोमीटर। टैकोमीटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, वो आज हम समझते हैं आज के वीडियो में। और मार्केट में कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एवरेज। आज के टाइम पर पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है, तो कस्टमर चाहता है कि हमें माइलेज बहुत अच्छा मिले। और मैकेनिक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम एवरेज को कैसे सेट कर सकें। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हम डिजिटल इंजन टैकोमीटर के माध्यम से किस तरीके से माइलेज को सेट कर सकते हैं। तो डिजिटल इंजन टैकोमीटर ये हमें आरपीएम के विषय में भी बताता है और एवरेज इसे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आपके सामने बाइक, तो हम बाइक के इंजन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इंजन के आरपीएम दिखाई दे रहा है, 1260 आरपीएम है अभी। हम जैसे जैसे इंजन के आरपीएम को बढ़ाते हैं, जैसे देखेंगे आरपीएम स्क्रू के माध्यम से यहाँ पर लगाएंगे कार्बोरेटर पर, कार्बोरेटर पर लगाएंगे। ये कार्बोरेटर पर हमने एक स्क्रू ड्राइवर को लगाया हुआ है, यहाँ से हम आरपीएम को देख रहे हैं, आरपीएम बढ़ रहे हैं। हम आरपीएम स्क्रू से इधर करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे स्क्रू से हम उसके आरपीएम को सेट करेंगे। पहले तो आरपीएम कम होंगे कुछ इसके, फिर वापस इसके बढ़े। हमें इसमें कंडीशन रखना है कि 0 से 3 सूडी के बीच में इसका रहना चाहिए, और जहाँ पर सबसे अधिक आरपीएम होते हैं वह स्थान होता है सबसे अधिक वाले। तो देखते हैं अभी सबसे अधिक आरपीएम होती है इस टाइम पर होते हैं 1400 आरपीएम। इसके बाद हम देखते हैं इसको आरपीएम स्क्रू के माध्यम से इसको क्या करते हैं। और इसके आरपीएम लगभग में हम रखेंगे 1400 आरपीएम के आसपास में रखेंगे। ये हमने रखे आरपीएम अभी 1450 आरपीएम। इस टाइम पर हमारी गाड़ी का इंजन गर्म है, तो इस टाइम पर गर्म इंजन पे 1450 आरपीएम ठीक है, परफेक्ट है। अगर हम आरपीएम ज़्यादा कम करते हैं तो हमारी गाड़ी बार बार बंद होने की कंप्लेंट आती है, हमारी बाइक में ज़्यादा बार बार बंद होने की कंप्लेंट आती है। तो हम इस डिजिटल इंजन टैकोमीटर के माध्यम से हम माइलेज को सेट कर सकते हैं, आरपीएम को सेट कर सकते हैं और हम कस्टमर की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और इसका अगर यूज़ करना सीखना है और हमारे जस्ट कंपनी में ट्रेनिंग लेना है और इससे संबंधित और बहुत अधिक जानकारी लेनी है आपको, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर फ़ोन कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।